हेलो एंड वेलकम अनिल मेहमान, आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया सेलेक्ट टॉक शो में। और आज मेरे साथ है नागपुर के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कर दी है बहुत सारी भरमार और मेहनत करते करते इन्होंने पहुंच गए अपने मंजिल की तरफ। भाई पहले तो आपका नागपुर में वेलकम है, BCM में वेलकम है, हनी है मेरे साथ। और जानना चाहूँगा आपके सफ़र के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि नागपुर के एक लड़के ने कमाल कर दिया, MX प्लेयर को पूरा खा गया ये लड़का। और साथ ही अभी Amazon में भी कुछ धमाका आने वाला है भाई का। तो मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे लड़का जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो बहुत जल्दी ये हमको बड़े ही बड़ी पर्दे में दिखेगा और बड़ा ही कमाल करते हुए दिखेगा। हनी ये बताइए कि कैसे हो आप? सबसे पहले तो मान थैंक यू शो पे बुलाने के लिए, और तुम तो मुझे बहुत पहले से जानते ही हो और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ इस समय पे। तो जर्नी की जहाँ तक की बात है, तो ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक्टर बनने आया था, नागपुर से ही शुरुआत हुई थी जैसे हमारा होम टाउन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको होता है कि घर की ज़रूरतें पूरे करने के लिए आपको दूसरी लाइन्स चॉइस करनी पड़ती है, तो कई सारे काम दूसरे भी किए। एंड देन धीरे धीरे मेरा डांस में अच्छा रुचि भी था और मेरा डांस थोड़ा अच्छा था तो लोगों को पसंद आने लगा, तो मैं एज अ असिस्टेंट कई जगह पर एज अ डांसर काम करने लगा। सो धीरे धीरे उस बीच में जब जब टाइम मिलता मैं एक्टिंग के ऑडिशन देने जाता, कई फेक ऑडिशंस होते थे, कई अच्छे ऑडिशंस होते थे। सो धीरे धीरे धोखे खा खा के सीखते गए। एंड देन कहते हैं ना कि लक और मेहनत दोनों जिस दिन मैच कर जाती है तो स्टार्स थोड़े बहुत चलने लगते हैं। तो बस वही हुआ कि सही जगह पर सही टाइम पर मैं पहुँच गया और मिल गया रोल। क्या बात है, मतलब जब बात होती है लक और मेहनत की तो आजकल का जो इंसान है लक पर ज्यादा बिलीव करता है, तभी तो वो पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेहनत जब साथ आएगी तो लक अपने आप साथ आएगा। इसमें एक चीज बोलूंगा कि लक जो है ना, लक का ऐसा है कि वो आपको मौका देती है, बाकी टैलेंट लक नहीं दे सकता। उसके लिए टैलेंट के लिए आपको मेहनत करनी है, लर्न करना है। तो लक आपको मौका जब देगी तब आप प्रिपेयर रहना चाहिए, तभी आपकी वो लक काम कर पाएगी, नहीं तो वेस्ट है। आई कैन से दिस, आई गॉट द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। हनी हम जानते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है आपका, क्योंकि MX प्लेयर, फिर अभी Amazon और एक नागपुर का लड़का, क्योंकि हमेशा हमारे लिए ना नागपुर के लड़के बहुत कम पहुंच पाए हैं उस बड़े मुकाम पर, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों को उस मुकाम पर देखते हैं। Amazon प्राइम तक आप कैसे पहुंचे? Amazon प्राइम तक ऐसा हुआ ना कि मैं एक्टिंग के कई सारे ऑडिशंस वैसे भी देते रहता हूँ, क्योंकि लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं है फेक एंड रियल ऑडिशंस की। तो मैं मेल करते रहता हूँ कई सारे ऑडिशंस जैसे देखता हूँ रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट्स की मैं मेल करते रहता हूँ तो मुझे रिप्लाई आया। और मतलब कई टाइम लगता है, ऑब्वियसली 2012 से स्ट्रगल चालू है, 2021 चालू है। सो कई जगह हम लोग मेल करते रहते हैं, देन जब जहाँ से आपका सूट हो जाता है, जहाँ आपकी एक्टिंग डायरेक्टर को पसंद आ जाती है, तो मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया एंड देन क्लैश सिलेक्ट। क्या बात है, MX प्लेयर में, हाँ, ईशाज डायरीज, राइट? क्योंकि हम सबने देखी आपको, हम सबको बहुत पसंद आया आपका काम, तो वहां तक आपकी जर्नी कैसी रही है और उस सीरीज के बारे में बताइए ताकि लोग अभी MX प्लेयर को खोलकर वो सीरीज देखें। ईशाज डायरी का एक्चुअली फर्स्ट पार्ट आ चुका है, season 1 आ चुका है। एंड ईशाज डायरी में सबसे अच्छी बात है कि नागपुर के उसके अंदर कई सारे आर्टिस्ट हैं, और हमारे मुश्ताक खान सर जिनको आपने वेलकम में देखा ही है, मेरी एक टांग तो उनका बहुत फेमस डायलॉग है, तो वो उसमें एज अ एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। और भाई तुम चोर हो कि क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एक जो ईशा है उसका मर्डर हुआ है तो उसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ। सो पूरी सी अभी फर्स्ट सीजन, अगर इनकी कोई रियल गर्लफ्रेंड है तो मैं उनको बता दूं कि ईशा इनकी और एक गर्लफ्रेंड है जिसका मर्डर हो चुका है। ऐसा हो चुका होगा, मुझे पता भी नहीं होगा क्योंकि मिली नहीं है वो अभी तक। तो उसमें उसका मर्डर हो जाता है, एंड देन ऐसा है कि पहले सीजन में आप मुझे सिर्फ मार खाते हुए देखने वाले हो क्योंकि मैं पूरी सीरीज में सिर्फ मार ही खा रहा हूँ। तो season 2 जब आता है तब अभी उसका वेट कर रहे हैं सब लोग कि किसने एक्चुअल में मर्डर किया है। तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री बेसिकली। तो season 2 भी है इसका, मतलब हो चुकी है, ऑलरेडी शूटेड है, तो अभी धीरे जल्द से जल्द आ ही जाएगा। क्या बात, मतलब season 1 season 2 MX प्लेयर साथ में Amazon। 26 साल की उम्र है, राइट? 26 साल की उम्र में आपने क्या क्या अचीव किया? हाँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 26 साल की उम्र है, ये लड़का कुवारा है, शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। अगर आप एक सुंदर सुशील कन्या हो और आपको सुंदर सुशील लड़का चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम यहाँ पर शादी वाला काम भी करवाते हैं, मैं 10% कमीशन लेता हूँ, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, 26 साल की उम्र में आपकी खुद की जिम है, आपकी डांस क्लास है, आपने Amazon पर एक काम कर लिया है, MX प्लेयर पर काम कर लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आपने भी एम्पायर खड़ा कर लिया है बहुत छोटी सी उम्र में, क्योंकि ये उम्र में लोग अक्सर पार्टीज में बिजी होते हैं, फन करने में बिजी होते हैं, यार एक ही तो जिंदगी है, जवानी को जीते, लेट्स गो देयर। तो क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार बाद में कर लेंगे सब, अभी थोड़ा जवानी को जिया जाए?
ख्याल आता है, बट कैसा होता है कि जैसे आप कहते हैं कि हमारे घर में मैं इकलौता हूँ और मेरे अंदर एक चाह भी है कि हमको कुछ करना है यार। वो कहते हैं ना कि आप सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को वापस आओ, वो लाइफ नहीं चाहिए। और इन शॉर्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब ऑफिस का जो टेबल होता है ना, जब वो आपका बिस्तर बन जाता है और आप वहीं रहने लगते हो और एक लाइफ वहीं बन जाती है ना, तब जाके बहुत ही मुश्किल से एक कंपनी खड़ी हो पाती है यार। अभी तो ये था कि एक तो घर की नीड, क्योंकि आप कमाने वाले हो इकलौते, देन घर की एक नीड भी होती है और दूसरी आपकी चाह भी, तो दोनों के पीछे मैंने टाइम देना पड़ता है और 24 घंटे तो कम पड़ते हैं। हाँ, मैं एंजॉय भी पूरा करता हूँ, हर काम में एंजॉय करता हूँ, चाहे कहीं पे भी, मैं यहाँ भी आया हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब हर मोमेंट एंजॉय करता हूँ, तो मुझे कभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है, वैन आई सी, पहले लगता था, अब तो मैं बहुत उस चीज में बोल सकते हैं हम समझदार हो गए, तो पहले ऐसा लगता था कि लोगों को बहुत आयता मिल जाता है, उनके मॉम डैड बहुत रिच होते हैं, बहुत आयता मिल जाता है, दे गॉट कार्स, दे गॉट एवरीथिंग, दे गो फॉर ट्रेवल्स, बट ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जब उनके माँ बाप से मैं मिलता हूँ तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा सीखो इनसे, तो वो तब अच्छा लगता है यार कि नहीं, यस देर इज सम डिफरेंट जो भगवान ने मुझे दिया है और जो उनको दिया है, तो क्या सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बात है हनी, कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हो और अब लगाओ कि यार छोड़ देते ना यार, अब नहीं हो रहा है मुझसे, अब थक गया हूं मैं बहुत तो ऐसा बार कोई इंसिडेंट जहां आपको फिर आप गिर के उठे हो? एक 2016 का है। 2016 में ऐसा हुआ था कि जब मेरे घर वाले, हम लोग सब अच्छा कर ही रहे थे, एंड देन मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी अपना जो फेम है उसको इनकैश करने वाला हूँ और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उस समय पे एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी थी वो फेक अपॉर्चुनिटी थी। तब मैं डीमोटिवेट हो गया और घर वालों ने उसी समय मुझे कहा कि आप ये सब बंद कर दो एंड गो टू दुबई फॉर वर्क, एंड उन्होंने मुझे भेज भी दिया। सो मैं आपको बता मैं दूं, इनका और एक दोस्त है जो कि वर्धमान है, जो कि दुबई में है, तो उसका दुबई इंटरव्यू हमने अभी भी लिया है। हाँ, वो आया हुआ है। वर्धमान, तेरी यहाँ पर भी ब्रांडिंग हो गई है। नहीं, मैं खुद भाई स्क्विड गेम को बहुत शेयर कर रहा हूँ। स्क्विड गेम वर्धमान का न्यू एल्बम है, बिल्कुल, हनी आप के देखिए शो में वर्धमान का प्रमोशन। वो भी आप देखिए, वर्धमान को फॉलो, यार नागपुर के आर्टिस्ट को आप लोगों को फॉलो ऑफ करना कोर्स चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सो 2016 की मैं बात कर रहा था, तो उस समय पे क्या हुआ था ना कि मेरे फादर मदर ने क्या किया कि मुझे दुबई भेज दिया, एंड दुबई में मुझे कहा कि मतलब एज अ जॉब करने के लिए मुझे भेज दिया। अब मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो तब मुझे मेरे यहाँ के सारे ड्रीम सब कुछ, मैं उस समय इतना डिमोटिवेट हो गया था कि यार मेरे लिए ये करियर नहीं है, मुझे काम करना है, अपनी फैमिली को सर्व करना है, जैसे दूसरे लोगों का होता है, मतलब मैं एक्सेप्ट करने लगा था कहीं ना कहीं, बट होता है ना कि अंदर का जो कीड़ा होता है वो मरता नहीं है। तो जब दुबई गया तो वहाँ पे एक दिन भी, एक सेकेंड भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को मिस ना किया हो, अपनी एक्टिंग को, अपनी डांस को मिस ना किया हो। तो वो जो मिस करना था वो इतना सीरियस हो गया कि मैं अपने मॉम डैड को बिना बताए मैं दुबई से कैसे कैसे वापस आया हूँ, आई नो। सो आई केम बैक एंड देन फाइनली उस टाइम पे मेरे कई रिलेटिव्स ने मुझसे शायद 2 साल या 1.5 साल बातचीत भी नहीं की थी कि अरे लड़का सुनता नहीं है किसी की, तो बस फिर बिल्ड कर लिया, एंड स्टूडेंट्स का प्यार है तो हो जाता है। सबसे पहले जब हमने बैचेस स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स की, तो कितने बच्चे थे? सी सबसे पहले तो मैं कहीं और काम करता था एज असिस्टेंट डांस में, सो वहाँ पे मेरे पास में 30-40 स्टूडेंट्स थे। और अभी कितने बच्चे हैं? अभी अब तक के मेरे नागपुर में 8,000 स्टूडेंट्स हैं। एंड 8,000 स्टूडेंट, 40 से 8,000 बच्चे। अच्छा, एक स्टूडेंट से कितने पैसे लेते हो? लेट्स कैलकुलेट हिज अर्निंग। मजाक कर रहा हूँ भाई, घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, कोई नहीं, दिक्कत इतना नहीं। इतना नहीं लेते हैं, क्योंकि एवरी स्टूडेंट, मेरे हर स्टूडेंट जानते हैं कि एवरी ईयर वी सर्व 30 स्टूडेंट्स टोटली फ्री इन द फील्ड ऑफ क्या एक्टिंग, बात इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट, इन द फील्ड ऑफ डांस। एचके डांस एंड आर्ट स्टूडियो टीच फ्री ऑफ कॉस्ट टू 30 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। एवरी ईयर दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे फेक ऑडिशन होते हैं और रियल ऑडिशन होते हैं, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे जाते हैं, ऑडिशन देते हैं और कई बार ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पहचान पाए कि क्या फेक है और क्या रियल है। हाँ, सी फेक और रियल का ना बहुत ही ईजी फंडा है। जो पर्सन आपको बोल रहा है कि यार अपन कर लेंगे ना, आप ऐसा कर लो ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो लीगली बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लीगली मुंबई में ना आप छोटे से छोटा काम करने जाओगे ना, दे डू एग्रीमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और फेक वाले भी आजकल एग्रीमेंट करने लगे हैं। तो आप जब भी आप प्रोडक्शन देखते हो वहाँ पे, तो आप पहले देखो कि आपका कोई दोस्त या कोई है, अगर कोई है तो आप उससे लिस्ट ले सकते हो, बहुत ईजीली लिस्ट मिल जाती है कि कौन से प्रोडक्शन हैं जो जेन्यूनली काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई अगर बोल रहा है कि मैंने सो एंड सो सीरियल बनाया है, ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस वर्क, आप उस सीरियल्स के वेबसाइट पर जाओ, आपको वहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबका नाम सबका नंबर मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि मैं एक्स वाई जेड सीरियल के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, तो कास्टिंग भी जो है ना वो भी ऑफिशियली दी जाती है, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है कि ये सो एंड सो पर्सन है जो कास्टिंग के लिए अलॉटेड है। तो लोगों को ना, और कोई पैसा नहीं मांगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ काम दिलवा दूंगा, आप पैसा दे दो, आपके अंदर अगर टैलेंट है आपको काम मिलेगा, पैसे की जहां तक की बात है वो आपको देना नहीं है, उल्टा लेना है, क्योंकि आप काम कर रहे हो। क्या बात है, तो जहां भी पैसा मांगा जाए वहां समझ जाओ कि क्या कभी हनी आप फंसे हो ऐसे ट्रैप में। हाँ, मैं वही 2016 का जो फेक मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद भी उस ट्रैप में फंसा और मैंने उसे सीखा है, ऑब्वियसली मैंने सीखा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और अभी भी मुझे कई सारे लोगों के कॉल आते हैं कि ये सीरियल है, ये है, आप कास्टिंग के लिए भेजो, ऐसा है वैसा। मैं, मुझे पता है कि वो लोग फेक हैं, अब मैं तो एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तो अब मैं कई बार उनकी कंप्लेंट्स भी कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि कुछ लोगों के कारण इतना बड़ी अच्छी इंडस्ट्री का नाम खराब हो। क्या बात है, 40 बच्चों से शुरू हुई थी ये जर्नी, वो भी किसी और के अंडर में काम करने वाला हनी आज 8000 स्टूडेंट का सर है, और ये एक काबिले तारीफ है। और लगातार इतनी सारा स्ट्रगल करने के बाद जब इतना बड़ा अचीवमेंट मिलता है, जैसे अमेजोन में काम करना एमएक्स प्लेयर, और आज कहीं नागपुर शहर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आइडल पर्सन की तरह सामने उठकर आना, थैंक यू हनी इतना अच्छा सर्व करने के लिए देश के लिए और खुद के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। जाते जाते नागपुर के दर्शकों से और विदर्भ के दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी इस फील्ड में आना चाहता है ना, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो, सब लोग में डिपेंड होते हैं कि यार मुझे मौका मिले, बट मौके के लिए क्या आप रेडी हो, अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेना। अगर आप लोग रेडी हो, रेडी होने के लिए ना लर्न करना पड़ता है आपको। अगर आप इंजीनियर हो सो आपको इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है, तभी आप इंजीनियर बन पाते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई दे देगा गाड़ी रिपेयर करने के लिए, आप रिपेयर कर लोगे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग और डांस हो, चाहे मार्शल आर्ट, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न। सो पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, मौका ढूंढने से पहले सीखो, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बस और कुछ नहीं। मतलब अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी, लेकिन अगर आप बहुत लेकिन अगर आप सीखे हुए हो तो आप वो ग्रैब कर सकते हो, अदरवाइज आप हर अपॉर्चुनिटीज को लॉस करोगे और बाद में अपनी किस्मत को दोष दोगे। तो इससे अच्छा पहले लर्न कर लो, स्ट्रगल कर लो, सीख लो, जान लो। थैंक यू सो मच हनी अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेहमान यहां से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से देखते रहिए NBCN न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए।